subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what's up guys, YPM Vlogs back and so guys welcome back to another daily vlog. और यार आज है संडे और मुझे पता है कि मैं आज संडे राइड पे नहीं गया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऑल तो मैंने कर रखी थी सारी अपनी तैयारियां, मैंने बाइक में भरवा रखा था पेट्रोल एंड सारा कुछ रेडी था। मैंने अंकल को भी बोल रखा था कि आप आ जाना सुबह और सुबह निकलना है 8 बजे। बट एंड टाइम पे जो मेरे मामू है वो आगे डेली ऐसा आपको पता कि वो आ रखे हैं अभी यूएसए से, तो लगभग वो 2 साल में एक बार आते। तो आई वॉज लाइक कि आज मैं उनको घुमाऊंगा पूरा दिन दिल्ली, क्योंकि यार संडे पे तो आई कैन गो एनी टाइम। बट जो मामू है वो लगभग 2 साल में एक बार आते हैं, तो चलो आपको मिलवाता हूँ। पहले मामू से एक बार उनको आने दो। अभी बज रहे 11:30, लगभग वो 12 बजे के आ जाएंगे अराउंड। तो करते हैं आज के ब्लॉग को कंटिन्यू, सो लेट्स गो। Well, so what's up guys, YPM Vlogs back here. तो ये रहे मामू और ये रही मम्मा। तो मामू कितने साल बताए हो? आज 2 साल हो गए। तो आज कहाँ जाना है आपको? दिल्ली घुमाने वाला हूँ आज। आज हम जाएंगे स्टारबक्स चलेंगे एक तो। ओके, तो मामू बहुत बड़े फैन स्टारबक्स की भी है, मेरी तरह सेम। और बाद हम ये काकेदा होटल जाएंगे तो चिकन खाना है। मैं तो चिकन नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने लगभग 3-4 महीने चिकन हाथ भी नहीं लगाया। चल तू मत खाइयो तू, ठीक है? दाल मखनी खा लियो। ओके, तो बहुत साल हो गए यार उसका चिकन खाए हुए। हाँ, तो आज लास्ट टाइम हम याद है मुझे 2-3 साल पहले गए थे खाना खाने के लिए काकेदा होटल। तो जब भी आते हैं ना मामू हमेशा बोलते हैं मेरे को उसकी खानी चिकन करी। और लगभग अभी बज रहे हैं 12:30। तो चलो अब चलते हैं नीचे और आपको एक बार एक चीज़ और बतानी है। तो मैंने ना अभी बाइक जो है अभी बाहर खड़ी कर दी है और मैंने बाइक को कर दिया कोल्ड स्टार्ट भी। उसके बाद मैंने बाइक बंद कर दी थी मामू आने से पहले। अब क्या करूँगा, मामू को मैं लूँगा रिएक्शन की H2 की आवाज़ का। तो ऐसे मामू को बोलूँगा मामू बाइक ऑन करो और फिर एक बार बाइक को रेफ करो, देखते हैं मामू को कैसा होता है रिएक्शन। तो एक बार उसका भी मेरे को वेट है। तो चलो तो मैं जा रहा हूँ बाय, और मैं काकेदा होटल जा रहा हूँ। आपको बहुत पसंद है दाल मखनी, लेकिन नहीं है? हाँ, ले आना। चलो ठीक है ले आता हूँ। ओके जल्दी चलो। ओके बाय दीदी बाय। तो मामू बार अभी शूज पहन रहे हैं। और क्या बोल रहे थे अभी? चल निकाल अपने शूज। कहाँ है? कौन से निकालूं, इतने सारे ऑप्शंस हैं। दिखा मुझे कहाँ है। सारे ऑप्शन ही ऑप्शन है डब्बे के अंदर। ओ अच्छा ये पड़ा। और ये पूरा शू रैक भी डिस्प्ले के अंदर। ओह माय गॉड, ये सारे मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं और ये सारे नए नए वाले हैं जो मैंने ज्यादा नहीं पहनता। मैं कौन सा डालने तू बता फिर मुझे। चलो मैं खुद चूज करता हूँ। कर ले मामू ये लो चाबी, एक बार बाइक को रेफ करो। तो मामू को आवाज़ सुननी है। तो एक बार मामू कर रही है बाइक को अभी रेव रेव। मामू कैसी थी आवाज़? बहुत ही हैवी और सॉलिड साउंड है। तो मामू को भी शौक बाइक्स का बहुत था पहले, लेकिन मामू को शौक नहीं है ना, ख़त्म हो गया। सही लगी ना वैसे लुक्स में। चलो A few moments later. तो हम आ गए अभी स्टारबक्स, पहला स्टॉप कॉफ़ी का। तो मैंने अपने लिए अभी लिए कोल्ड कॉफ़ी कैपेचिनो, मामू ने लिया अमेरिकनो। और मामू की सोच कॉफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। बाकी जो मेरी कॉफ़ी में दवाएँ हैं 3 एक्स्ट्रा शॉट्स एंड साथ मेरी CCF है विद 1 पम्प ऑफ शुगर। तो मेरी मैं पीता हूँ लेस शुगर, बट मामू तो टोटल ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं। और अब मामी के लिए क्या लेना है अभी? वो जब अभी हम आएंगे फिर अभी दोबारा स्टारबक्स आएंगे। हम जाके अभी कुछ खाने जा रहे हैं, फिर जब वापस आएंगे फिर देखते हैं। तो यार मेरी कॉफ़ी ये आ गई है एंड मामू को मैंने जिस पिलाई और मामू ने बोला बहुत अच्छी है। बाकी वहाँ पे मामू की बन रही है अभी अमेरिकनो और मेरी तो बहुत सही है। तो मामू की यहाँ पे आ गई कॉफ़ी। मामू क्या कह रहे हो आप, USA से सेम टेस्ट नहीं है यहाँ पे? देखता हूँ अभी, तो एक बार ट्राई तो। यहाँ पे मामू अभी कॉफ़ी ट्राई कर रहे हैं एंड लेट्स सी क्या। नहीं सेम नहीं है। ओके, तो यूएसए का टेस्ट अलग है, यहाँ का टेस्ट अलग है। बट यहाँ का तो जब मैं कहता था ना दुबई, तो दुबई का सेम टेस्ट था, यहाँ का भी सेम टेस्ट था, ऑलमोस्ट सेम था। तो ब्रूड नहीं है ना ये? ओके, दिस इज द पोर ओवर कॉफी। तो ब्रूड नहीं है ये, तो ब्रू नहीं करके दी उन्होंने। ओके, तो ये पैकेट के अंदर पानी डाल दिया। तो मेरी तो ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है चिकन मामू को खिलाना और मैं तो खाऊंगा वेज। लगभग कुछ देखते क्या खाऊंगा वहाँ जा करके। तो चलो वैसे जाम बहुत आ रहा हो रहा है क्लब रोड पे, और यहाँ पे तो हमेशा जाम नॉर्मल ही हो रहा है हमेशा। तो पहुँच तो जाएंगे। और हम मेरी स्पोर्ट्स कार बहुत जल्दी आने वाली है। आप कब तक हो इंडिया में? हम लोग हैं अभी 2 वीक्स मोर। 2 वीक्स मोर। तो चलो अब यहाँ पे आ गया हैवमोर और हम हैवमोर जा रहे हैं। काके होटल मामू ने बोला कि अभी सीपी नहीं जाना, वो दोबारा आएंगे तब खा लेंगे। ठीक है, तो अभी हैवमोर। बाकी सामने है गुलाटी। तो गाइज़ यहाँ पे आ गया है ये बटर चिकन जो कि है हैवमोर का सबसे फेमस। और मेरा है बटर चिकन वाली ग्रेवी के अंदर पनीर और साथ में मामू का है कीमा नान, मेरा है प्लेन नान। तो ये है आज का हमारा लंच। मामू एक्साइटेड बहुत ज़्यादा। चलो शुरू करो, बहुत टेस्ट की भूख लगी है। तो यहाँ पर मामू खा रहे हैं पहली बाइट हैवमोर की और बिल्कुल वैसा ही सेम टेस्ट है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 8 आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ 10। तो मेरा है पनीर मखनी। अब मैं खाता हूँ प्लेन नान के साथ में, खाने के बाद मिलता हूँ। तो हमारा हो गया अभी लंच टाइम और हम जा रहे हैं यहाँ से कनॉट प्लेस। तो चलो, तो मैं भी आ गया हूँ कनॉट प्लेस और लगभग 2-3 महीने में कनॉट प्लेस में आया हूँ। मामू भी खा रहे हैं फायर पान और यहाँ पे बहुत सारी पान शॉप्स हैं। तो मामू, इससे पहले लास्ट टाइम कब खाया था? लास्ट टाइम खाया था ऑलमोस्ट 2 ईयर हो गए। ओके, चलो अब बन रहा है फायर पान। कैसा था? चलो, एक बार ट्राई कर रहा हूँ फायर पान, दूसरी बार ट्राई कर रहा हूँ। A few moments later. तो यार मैं आ गया था अपने घर पे और अब जा रहे हैं मामू यहाँ से। मामू, आप कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं फरीदाबाद। ओके तो वहाँ से चलेंगे मामू वापस और कुछ इतना ही। तो अब मैं जा रहा हूँ फिलहाल तो अपने काम से। तो चलो, तो यार मैं आ गया अपने अभी घर पे वापस। टाइम अभी हो रहा है 9:30 और मैंने अपने लिए मंगवाया डिटॉक्स जूस, क्योंकि आज मैं जाऊंगा नहीं जिम, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई लगभग मैं सुबह सोया था 9 बजे एंड फिर मैं उठ गया था लगभग 10 साढ़े 10 के अराउंड। फिर मैं 1 घंटा ही सोया हूँ एंड मेरे को बहुत इसकी अभी नींद आ रही है। तो मैं खाऊंगा अपनी डाइट में मैंने क्या मंगाया आपको वो भी दिखाया था एक बार। तो ये है फ्रूट्स जिसमें एप्पल और पाइनएप्पल है कटेड और साथ में है ये होल व्हीट जिसमें है पनीर, कैप्सिकम एंड वेजिटेबल्स। तो ये है मेरा आज का टाइप ऑफ डिनर। तो यार इसको जल्दी से खाता हूँ एंड मेरे को कल सुबह जाना भी होगी। मेरी है कल सुबह के 7:30 बजे की फ्लाइट, तो मेरे को वो वाली फ्लाइट भी कैच करनी है। तो अगर मेरी फ्लाइट है 7:30 की है तो मैं उनको उठना पड़ेगा लगभग 4 बजे। फिर मेरे को पहुंचना पड़ेगा एयरपोर्ट लगभग 5 साढ़े 5 के अराउंड, क्योंकि दिक्कत क्या है पापा हमेशा बोलते हैं कि एयरपोर्ट पहुंचा करो 2 घंटे पहले, हमेशा वो बेस्ट रहता है। आपकी जो फ्लाइट है कभी वो छूटती नहीं है। तो विद दैट सेट मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय। सब्सक्राइब कर देना भाई YPM व्लॉग्स में, क्लिक कर मेरे को एंड गाइस मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो है @YPM व्लॉग्स। तो या विद दैट सेट बाय एंड स्टे सेफ।